फ्रेंड, वेलकमिंग एचयूएससी टेक्निकल मास्टर। आज हम देखते हैं कि चिलर में गैस कैसे चार्ज करते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे चिलर में लो प्रेशर का अलार्म आ रहा है, क्योंकि हमारा प्रेशर कम जा रहा है, 191 जा रहा है, ये 200 से ऊपर होना चाहिए। फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये प्रेशर काफ़ी लो जा रहा है, जिसके वजह से अलार्म आ रहा है, इसके लिए हमें गैस चार्ज करना होगा। फ्रेंड, आप दिखाते हैं कि गैस कैसे चार्ज करते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं ये हमारा सिलेंडर है 134A का, ये हमारा गेज है, ये एक्सपेंशन वाला है। फ्रेंड्स, हम इसमें गैस लिक्विड साइड से चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन वाले बाद से चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें लिक्विड गैस चार्ज करेंगे। हम इसको सक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं, सक्शन से पेपर चार्ज करना पड़ेगा, बट पेपर चार्ज करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिक्विड चार्ज कर रहे हैं। ये हमारा सिलेंडर है, आप देख सकते हैं इसमें पेपर चार्ज करने का भी ऑप्शन है, आप फ्रेंड देख सकते हैं इसमें लिक्विड का भी ऑप्शन है, आप इसमें लिक्विड भी चार्ज कर सकते हैं। तो हम इसमें लिक्विड को ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के बाद से ये फ्लक्स कर रहे हैं काफ़ी, ताकि सिस्टम में एयर ना जाए। उसके बाद से हम इसको वाल्व को ओपन करके डायरेक्ट हम लिक्विड चार्ज कर रहे हैं। फ्रेंड, देख सकते हैं काफ़ी हाई स्पीड से लिक्विड जा रहा है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड जाएगा वही ऑपरेटर के अंदर पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे हमारा कमर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हमें फास्ट चार्जिंग करने के लिए लिक्विड चार्ज करना पड़ता है चिलर के अंदर, वो लिक्विड साइड से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए।